इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब मौजूद नहीं है अपनी निजी मसरूफियत की वजह से, लिहाजा प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझ पर हैं। कराची से खैबर तक और लंदन से वाशिंगटन तक इस वक्त मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के हक खुद इरादियत की बात की जा रही है और इंसानी हकूक की पामाली पर मोदी पर लानत मलामत और मजम्मत की जा रही है। पूरा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यक जान हो गया है। आज वजीर आजम इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एक बड़े जलसे से खिताब किया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पहले मुझे अक़वाम मुत्तहिदा जाने दें, दुनिया के रहनुमाओं को बताने दें और कश्मीर का मुकदमा लड़ने दें। कश्मीरी नौजवान कंट्रोल लाइन की तरफ जाना चाहते हैं मगर वो मेरी कॉल का इंतज़ार करें। मुझे ये पता है, मुझे आपके जज्बे का पता है, मुझे पता है कि कई आप में से लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाना चाहते हैं। नौजवानों, मुझे पता है कि आप में जज्बा और जुनून है, लेकिन अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ नहीं जाना जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कब जाना है, अभी भी आपने जाना। पहले मुझे यूनाइटेड नेशंस जाने दो, दुनिया के लीडर्स को बताने दो, कश्मीर का केस लड़ने दो, दुनिया को बताऊं कि ये जो कश्मीर है, ये कश्मीर को अगर मसला हल ना किया इसका असर सारी दुनिया पे जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीरियों पर जितना भी जुल्म कर ले वो कभी कामयाब नहीं होगा। मोदी को एक बार फिर हिटलर से तशबीह देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक बुज़दिल इंसान ही सिर्फ ऐसा जुल्म कर सकता है जो आज कश्मीरियों पर भारतीय फौज कर रही है। नरेंद्र मोदी, आपको यहां से पैगाम देना चाहता हूं कि सिर्फ बुज़दिल लोग ऐसा इंसानों पर जुल्म करता है जो आज कश्मीरियों के ऊपर। नरेंद्र मोदी और इसकी आरएसएस जो आज कश्मीर पे कर रही है, जिस तरह हिटलर ने और नाजी पार्टी ने जर्मनी में अकलियतों पे जुल्म किया, जिस तरह उन्होंने इंसानों का कत्लेआम किया, ये भी वही उस रास्ते पे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, कान खोल के सुन लो, ईमान वाला आदमी मौत से नहीं डरता। ये वो काम है जो आखिरी दम तक तुम्हारा मुकाबला करेगी, एक दफा जंग हो गई। रूस के सरकारी टीवी चैनल आरटी में आज नशर होने वाले इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, रूस के सदर पुटिन और चीन के सदर शी जिनपिंग से मुतालबा किया कि वो अपने आलमी असर रसूख को इस्तेमाल करें और मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करें। No one should expect that now any bilateral talks between India and Pakistan are going to solve anything. That stage is long gone. The only way is, you know, of course, the United States, President Trump. He offered to mediate. India refused, saying it's a bilateral issue. Clearly, it's not a bilateral issue. They made it into a unilateral issue.
So the only way is if, you know, of course, the United States, Russian President, Prime Minister Putin, he's a powerful man, he's a big voice in the world, President Xi of China, you know, they can resolve most of the world issues, and specifically this Kashmir issue, which potentially is the most explosive issue in the world today. And if these three powers get together, I think they can resolve it. Bila shubha, Wazir Azam Imran Khan, Aalmi Satah Par, Maslai Kashmir ke Vakil, aur Maqbooza Kashmir ke Awam ke Safir ban gaye hain. Aur unhone dunya bhar mein Narendra Modi ko Hitler sabit kar diya hai. Aapko ye report dikhate hain. Main Kashmir ka ambassador banunga. Duniya mein main Kashmir ka jo halaat hain, jo paigham hain, jo situation hain. 9 million Muslims under curfew for 26 days in Kashmir. Maghreb mein jaake logon ko batayenge ki jis tarah ka zulm Kashmiriyon pe wahan ho raha hai aur ye sare wo values hain jo western world kehti hai ki hum uphold karte hain unke khilaf parzi. Wazir Azam Imran Khan bahadri aur pur azm tareeqe se aalmi satah par maqbooza Kashmir aur Kashmiri awam ka muqadma lad rahe hain और उनकी इन कोशिशों के बेहतर नतायज भी सामने आ रहे हैं। मोदी सरकार का मकरू चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो गया है। 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने और वहां मुसलसल कर्फ्यू और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर भारत को आलमी सतह पर तनकीद का सामना है। I am deeply concerned about the impact of recent actions by the government of India on the human rights of Kashmiris. सिफारती सतह पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली। अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में 50 बरसों बाद मकबूजा कश्मीर का मामला जेरे बहस आया। भारत ने इजलास रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इजलास में सलामती काउंसिल के अरकान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत पर नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा तो इस बयान को भी आलमी मीडिया में भरपूर कवरेज दी गई। बरतानवी, अमरीकी, चीनी, खलीजी, रूसी और फ्रांसीसी मीडिया ने वजीर आजम के बयान को अपने अखबारात और वेबसाइट्स पर नुमाया जगह दी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान ने दोस्त मुल्कों और आलमी रहनुमाओं से राबतों का सिलसिला भी जारी रखा। खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अगस्त और 20 अगस्त को वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन किया और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात की। वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब और अबू धाबी के वली अहद से भी राबतों का सिलसिला जारी रखा। सऊदी अरब के वजीर ममलिकत और यूएई के वजीर खारजा एक साथ इस्लामाबाद आए। ये दौरा भी कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और काविशों के हवाले से अहम रहा। मसला कश्मीर उजागर करने के लिए वजीर आजम ने हर मुमकिन इकदाम उठाया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दुनिया कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, हम सब खतरे में हैं के उनवान से मजमून लिखा और ख़बरदार किया कि दो जौहरी रियासतों के दरमियान मुमकिन बराह रास्त फौजी महाजराई से पूरी दुनिया के अम पर असरात मुरतब होंगे। बैन अल-अक़वामी ही नहीं मुकामी सतह पर भी मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उजागर किया। इस अहम इशू पर कौम से खिताब भी किए। मसला कश्मीर को लेकर वजीर आजम इमरान खान ट्विटर पर भी काफ़ी सरगर्म हैं। हमारी फौज तैयार है। वजीर आजम इमरान खान की अपील पर कौम ने 30 अगस्त को कश्मीरी भाइयों से इजहारी यकजहती का खुलकर मुजाहरा किया। मुल्क भर में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। वजीर आजम इमरान खान ने हर जुमे को कश्मीरी आवाम से इजहारी यकजहती मनाने का ऐलान किया है। अब सूरत हाल यह है कि BBC हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट, राइटर्स, CNN, ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, France 24 और वॉइस ऑफ अमेरिका जैसे ज़राए इब्लाग रोज़ाना भारतीय हुकूमत का बदनुमा चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं। हर रोज़ आलमी मीडिया अपनी तहकीकाती रिपोर्ट्स और दस्तावेजी फिल्मों में भारतीय मजालिम का पर्दा चाक कर रहा है। आज रॉयटर्स की रिपोर्ट के जरिए पहली बार दुनिया को मालूम हुआ कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों ने 5 अगस्त से 6 सितंबर के दौरान 4000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। ये भारतीय हुकूमत के अपने आदाद व शुमार हैं।
रॉयटर्स के मुताबिक इन अफराद को किन बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है बिल्कुल वाज़ेह नहीं, मगर एक भारतीय अफसर ने बताया कि अक्सर अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है जो बग़ैर किसी चार्ज के 2 साल तक हिरासत में रखने का इख्तियार देता है। इसी तरह अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भारतीय फ़ौजियों के मजालिम को बयान करते हुए लिखता है कि 12 देहातों में 50 के करीब कश्मीरियों ने बताया कि भारतीय फ़ौजी इनके घरों में घुस जाते हैं, मकीनों पर वहशियाना तशद्दुद करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, उन्हें मिट्टी खाने और गलीज पानी पीने पर मजबूर करते हैं, उनके मवेशियों को मार डालते हैं और ख़वातीन को ज़बरदस्ती उठाकर साथ ले जाने की धमकियां देते हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन लिखता है कि मकबूजा कश्मीर में रहने वालों का कहना है कि खित्ते में 10,000 से ज़ायद अफराद जब भी गुमशुदा हैं जिनके केसेस की फाइलें खुफिया हैं। गार्डियन बताता है कि मकबूजा कश्मीर में 1997 से लेकर आज तक भारतीय हुकूमत ने किसी भी भारतीय एहलकार के जिस पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम हो उसके खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त ही नहीं दी। मकबूजा कश्मीर में भारत के 5 अगस्त से जारी लॉकडाउन ने मरीजों के लिए तिब्बी सहूलियात को बुरी तरह मुतासर किया है। मरीजों के ऑपरेशंस मुलतवी किए जा रहे हैं, मवासलती ज़राए ना होने की वजह से लोग एम्बुलेंसेस तक कॉल नहीं कर सकते। DW अपनी रिपोर्ट में बताता है कि एक्सीडेंट के केस में मरीज अस्पताल लाए जाते हैं मगर उनके घर वालों को खबर करने का कोई। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है और अभी मजीद होना बाकी है। इंशाल्लाह कश्मीरी अपने हक के खुद इरादे तक ज़रूर पहुंचेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे डेंगू की। डेंगू एक वबा की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल रही है, जो आदाद शुमार हमारे सामने मौजूद है वो यकीनी तौर पर तशवीशनाक है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुल्क भर में डेंगू वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद समेत कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू वायरस ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है और मुल्क भर में अब तक 4,500 से ज्यादा अफराद के डेंगू वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हो चुकी है। सरकारी आदाद शुमार और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अब तक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 1,700, कराची समेत सिंध भर में 1,841 अफराद डेंगू वायरस की इनमें तस्दीक हो चुकी है और पेशावर के अस्पतालों में 1,800 मरीज लाए गए जिनमें 903 में डेंगू कंफर्म हो गया है। लाहौर में 1,200 से ज्यादा मुश्तबा अफराद में डेंगू बुखार की अलामत सामने आई हैं, जबकि इत्तलात के मुताबिक इस साल अब तक सिंध में डेंगू से मुतासर अफराद हैं जिनकी तादाद 8 है वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद, ज़ईफ लोग और बच्चे इस मर्ज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं। डेंगू बुखार की मखसूस अलामत में तेज़ बुखार, मतली, सर में दर्द, कमर में दर्द, बदन में ऐठन होना, घुटनों और जोड़ों में दर्द होना, जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आना, ये इसकी निशानियां हैं। बीमारी अगर शदीद हो जाए तो फिर खून में प्लेटलेट्स की तादाद कम होना शुरू हो जाती है और मरीज की नाक और मुँह से खून भी निकलने लगता है। डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए मानसून के दौरान बारिशों के बाद पैदा होने वाला गर्म और मरतूब मौसम मिसाली समझा जाता है। डेंगू का लार्वा जगह जगह खड़े साफ और गंदे पानी में पनपना शुरू हो जाता है और जब एक बार ये लार्वा से मच्छर बन जाए तो फिर इसे ख़त्म करना खासा मुश्किल हो जाता है। डेंगू जैसे मौलिक वायरस से बचाव का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश रखें और घरों में भी पानी जमा ना होने दें, क्योंकि इसकी अफजाइश साफ पानी में ज़्यादा तेज़ी से होती है। डेंगू फैलाने वाला मच्छर ज़्यादातर तुलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के औकात में हमलावर होता है, इसलिए इन औकात में मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले लोशन का इस्तेमाल भी एक अच्छी एहतियात है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया के 128 ममालिक में हर साल 5 करोड़ से ज़ायद अफराद डेंगू से मुतासर होते हैं, जबकि दुनिया भर में डेंगू से हर साल मरने वालों की तादाद 20,000 है। पाकिस्तान में अगरचे वफाकी और सूबाई हुकूमतें डेंगू पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं मगर डेंगू केसेस में इजाफे के बाइस मुल्क के सरकारी अस्पतालों में कायम डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स में बेड की तादाद बढ़ाई गई है, इसके बावजूद कोई ख़ास कामयाबी सामने नज़र नहीं आ रही है। साबका तजुर्बात और मुशाहदा से ये साबित हो चुका है कि डेंगू का मुकाबला करना सिर्फ हुकूमतों के लिए नहीं मुमकिन होता, इसमें एक अवामी शिरकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसकी बड़ी अहमियत होती है।
इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, एक वबा की कैफियत मालूम हो रही है पूरे पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी ये केसेस सामने आए हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए पहले से कोशिशें होती हैं। हमने देखा है कि स्प्रे किए जाते हैं, लार्वा को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इस दफ़ा कुछ लग ये रहा है कि ये कोशिशें कुछ मध्यम रहेंगे, इस वजह से डेंगू ज़्यादा फैल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मसूद, आपने बड़ा अच्छा तारुफ करवाया इस मर्ज़ का और इससे बचाव की तदाबीर के हवाले से। यकीनन इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसकी बचाव के लिए वक्त से पहले काम करना ज़रूरी होता है, और इस दफ़ा वफाकी हुकूमत ने और पंजाब की हुकूमत ने मिल के ख़ास तौर पर इस पोटोहार के इलाके में प्रिवेंटिव मेयर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया था मिल के, और मैं ये समझता हूँ कि इसी लिए शायद इस दफ़ा मरीज़ों की जो तादाद है वो रिलेटिव तौर पे कम है, ये तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती थी। डॉक्टर साहब, आप फरमा रहे हैं कि आपने कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन पोटोहार रीजन का जिक्र करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कहा था हमारे ही प्रोग्राम में कि इस रीजन में शिकायत आई हैं, बताया ये गया कि काम किया गया है, मगर बाद में पता चला ये काम नहीं किया गया था, गलत रिपोर्टिंग की गई थी, इसके लिए पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो इफ़ेक्ट हुए वो इस इलाके की वजह से हुए। जी समहाउ इस दफ़ा ये जो आउटब्रेक है ये पोटोहार के इलाके में कंसंट्रेटेड है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मुझे आज की फिगर्स के मुताबिक तकरीबन 1500 अगर केसेस पंजाब में हैं तो उनमें तकरीबन 1200 पोटोहार के इलाके में हैं। ये बहुत बड़ी तनासुब है जो इस इलाके में हुआ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि पहले इस सिलसिले में गलत रिपोर्टिंग हुई, अगर ये हुई भी तो ये इसका ज़्यादा ताल्लुक सूबाई हुकूमत के साथ है, मैं इसके बारे में तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन यकीनन मेरे इल्म में भी ये बात आई है। और मुझे ये भी मालूम है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इसके सिलसिले में जो आदादोशुमार आप कह रहे हैं कि कम है, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में 1700, कराची समेत सिंध में भर में 1841, पिशावर के अस्पतालों में जो मरीज़ लाए गए उनकी तादाद 1800 है, और उनमें 903 ऐसे हैं जिनमें वायरस की तस्दीक हुई है, लाहौर में 1200 हैं, और 8 अफराद ऐसे हैं अब तक पूरे मुल्क में जो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये छोटे फिगर्स तो नहीं हैं सर? नहीं, बिल्कुल ये छोटी फिगर्स नहीं हैं, लेकिन अगर इनका आप तकाबुल करें 2011 से तो 22,000 पेशेंट्स हुए थे आइडेंटिफाई पाकिस्तान में। मैं एक रिलेटिव अंदाज़ में आपको ये बता रहा हूँ, यकीनन ये हमारे लिए बहुत अहम फिगर्स हैं, और इस सिलसिले में जो भी इकदामात करने की ज़रूरत है प्रिवेंशन के हवाले से भी और ट्रीटमेंट के हवाले से भी, वह हुकूमत बहुत मुस्तदी के साथ एक बहुत मरबूत अंदाज में सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के ये इकदाम कर रही है। इस इलाके में ख़ास तौर पर हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल के बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस दफ़ा इस मसले को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने शख्सजाद में फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल में एक डेंगू वार्ड का इफ्तिताह किया है, जिसमें हमने 30 बेड्स की एक मुख्तस की है वार्ड। इस सिलसिले में ये इस बीमारी के फैलने के बाद किया, अभी थोड़ी देर आप पहले कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल है अगर पोटोहार रीजन में कहीं मिस रिपोर्टिंग हुई है या वहाँ काम नहीं हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद जिसका जिक्र कर चुकी हैं, फिर आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम भी कर रहे हैं, तो सर ये कैसी कोऑर्डिनेशन है? जी नहीं जी, देखें हमारे सरकारी अस्पतालों में आपको भी मालूम है कि हमारे यहाँ मरीजों का बहुत ज़्यादा इनफ्लो है, हमारे पास बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी में चूंकि ये केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो हमने सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पे उनके मरीज़ भी यहाँ पे कबूल करने शुरू कर दिए हैं इस्लामाबाद में, बावजूद इसके कि हमारे पास बेड्स कम थे, लेकिन हम इसे एक अपना इज्तमाही मसला समझते हैं, और इसी हवाले से मैं जिस वार्ड का जिक्र कर रहा था वो हमने खोली है, और मैं डेली की बेसिस पे ये देख रहा हूँ कि हमारे ट्रेंड्स कैसे जा रहे हैं और हमारी क्या ज़रूरियात अगले आने वाले चंद दिनों में होंगी, और उस हवाले से हम इकदाम कर रहे हैं। ठीक है सर, ये भी बताएं कि जुलाई और अगस्त में हर साल ये मसला हमारे सामने खड़ा होता है और एक बहुत बड़ा मसला होता है, ये मुकम्मल तौर पर हम इससे जान नहीं छुड़ा सकते हैं क्या?
या ऐसा मुमकिन है अगर कोशिशें की जाएं? जी यकीनन एक हद तक मुमकिन है। जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में फरमाया था कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, 128 मुल्कों में डेंगू के हर साल जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेने चाहिए या अपनी हिकमत अमली बहुत वक्त से बहुत पहले, इस सीज़न से बहुत पहले वाज़ह नहीं कर लेनी चाहिए। यकीनन करनी चाहिए। और हम लोग साल हा साल के बाद पाकिस्तान में, चूँकि तकरीबन 2011 में बहुत सारे चूँकि केसेस आए थे, उसके बाद से अब तक काफ़ी तजर्बा भी हो गया है हमारे हेल्थ मैनेजर्स को, तो वो अब यकीनन हर साल पहले की निस्बत बेहतर अंदाज में ये इसको कंट्रोल के लिए मेजर्स करते हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पे इसके खात्मे के लिए तमाम वो चीज़ें करने की ज़रूरत हैं कि जिनका आपने जिक्र किया, एनवायरमेंटल, हमें पानी के जो रिजर्वायर्स हैं उनको देखने की ज़रूरत है, घरों में सफाई सर, इसके लिए जो जिससे आप भी इत्तेफाक कर रहे हैं, मैंने भी कहा इसके लिए अगर हम पिछले दौरे हुकूमत में देखें तो हम देखते थे कि वॉलंटियर घरों में जाकर बाकायदा तरगीब देते थे, इंस्पेक्शन टीमें जाती थीं कि घर में कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे पानी जमा हो सकता है, मीडिया कैंपेन्स चलती थीं, जगह जगह हमें अवेयरनेस के मुख्तलिफ मीन्स को इस्तेमाल करती नज़र आती थी हुकूमत। वो सब कुछ इस दफ़ा नहीं है, इसलिए आपसे ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस दफ़ा ऐसा आपने क्यों नहीं किया और फिर इतने केसेस सामने आ गए, पिछली दफ़ा जो कुछ था वो नहीं है? नहीं जी, मुझे नहीं पता आप किन इलाकों के साथ इसका तकाबुल कर रहे हैं। पंजाब के इलाकों की बात कर रहा हूं, की हद तक तो मैं आपको ये बता सक जी, इस इलाके में जी वजारत सेहत को पहली दफ़ा पूरे आईसीटी का निज़ाम जो है पिछले सितंबर में स्पुर्द किया गया। उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हमने जो कुछ इस वक्त में मुमकिन था वो किया है। लेडी हेल्थ वर्कर्स हमारी जो हैं उनको पंफलेट्स दिए गए हैं, उनको इस पूरे मामले के बारे में एजुकेशन वो घर घर तक पहुँचा रही हैं। हम घरों में जाके यकीनन लोगों को ये बता भी रहे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूमिगेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इन इलाकों के अंदर। ठीक, आपकी आपकी जो कोशिशें डेफिनेटली किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे पूरे मुल्क में रेफरल सिस्टम है जो डिस्पेंसरी से शुरू होकर बड़े अस्पतालों तक जाता है, इतलात है कि आप इसमें कोई बुनियादी तब्दीलियाँ लाने वाले हैं और इसकी बेहतरी के लिए कुछ काम करें, क्या कोशिशें हैं आपकी? जी, हम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में बहुत अर्बन और देही इलाकों में एक मॉडल हेल्थ केयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और उस सिलसिले में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, उसकी प्लानिंग मुकम्मल हो गई है। मकसद उसका ये है कि हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स जिनको अब हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे 16, उसके अलावा रूरल हेल्थ सेंटर्स, फिर हमारे फर्स्ट लेवल हॉस्पिटल्स और फिर टर्शरी लेवल हॉस्पिटल्स, इनके दरमियान पेशेंट्स का एक रेफरल सिस्टम होना चाहिए। आपने रेफरल सिस्टम का जिक्र तो किया लेकिन पाकिस्तान में रेफरल सिस्टम एक्चुअली नॉन फंक्शनल है। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि ज़रूर पहले मरीज़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर जाए और तभी फिर वो अकोमोडेट होगा और देखा जाएगा हायर लेवल ऑफ हेल्थ केयर में। तो हम इस्लामाबाद में एक मॉडल हेल्थ केयर सिस्टम इस हवाले से बना रहे हैं। इस तरह 16 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जिनमें से 14 को हमने वक्ती तौर पे तो फंक्शनल किया क्योंकि ये 16 के 16 नॉन फंक्शनल थे। ठीक, और इसके साथ साथ फिर कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट्स में अब मॉडल हेल्थ केयर सिस्टम के तहत उनको मुनज़्ज़म कर रहे हैं जहाँ पर एक फैमिली प्रैक्टिस बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर होगी, जहाँ पे एक टीम होगी जो कि अपने यूनियन काउंसिल में जो पॉपुलेशन है उसका पूरा कंप्यूटराइज रिकॉर्ड उसके पास होगा, एक बहुत यानी डिफाइंड एसेंशियल हेल्थ केयर पैकेज के तहत वो उनको ये सहूलियात फराहम करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनका ताल्लुक बड़े एक मरबूत अंदाज में उस प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी के साथ होगा। शिनाख्ती कार्ड के नंबर के तहत हर फैमिली के हर फर्द का डेटा जो है वो हेल्थ फैसिलिटी में होगा और अगर वो उसकी कंप्लेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको हायर लेवल पे भेजने की ज़रूरत है तो फिर उसको भेजा जाएगा। और ये डेटा जो है, ये डेटा बेस सिस्टम जो है, ये तकरीबन सारे हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल होगा। हमारा ये ख्याल है कि तकरीबन 70% शिकायत जिनके तहत मरीज़ अस्पतालों में जाते हैं, अगर अच्छा निज़ाम चल रहा हो तो उनको प्राइमरी हेल्थ केयर
लेवल के ऊपर उनको ट्रीट किया जा सकता है। बहुत बहुत तो ये इसके कुछ बुनियादी नुकात हैं, आने वाले दिनों में हम इसको तफसील के साथ आपको इसके बारे में बताएंगे। रेफरल सिस्टम अगर हमारा हेल्थ केयर का ठीक हो जाए तो यकीनी तौर पर बड़े अस्पतालों पर लोड कम होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक और न्यूज़ ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। तहरीक इंसाफ के सामने जो मुतादिद चैलेंज है उसमें पंजाब हुकूमत भी इसके लिए मुसलसल चैलेंज है और वजीर आजम खुद इस हुकूमत की कारकर्दगी पर मुसलसल नजर रखते हैं। यही वजह है कि कई मरतबा पंजाब हुकूमत में चाहे अफसरान के लेवल पर हो चाहे सियासतदान के लेवल पर हो उखाड़ पछाड़ का सिलसिला जारी रहता है। एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत में रद्दोबदल किया गया है और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के तर्जमान शहबाज गिल मुस्तफ़ी हो गए हैं, जबकि एक और सूबाई मुशीर ओन चौधरी को भी ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह आसिफ महमूद को वजीर आला पंजाब का मुशीर मुकर्रर किया गया है, जो मुशीर बराए हार्टिकल्चर और सयाहत के तौर पर काम करेंगे। ओन चौधरी वजीर आजम इमरान खान के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी और करीबी साथी समझे जाते हैं। ओन चौधरी को हटाने और आसिफ महमूद की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज ही वजीर आला पंजाब के शिकायत सेल के चेयरमैन मलिक असद खोकर से इस्तीफा लेने के बाद पंजाब काबीना का हिस्सा उन्हें बना दिया गया है। मलिक असद खोकर ने आज ही गवर्नर हाउस पंजाब में सूबाई वजीर का हलफ उठाया है और उनको पंजाब के वजीर बल्दियात का कलमदान सौंप दिया गया है। शहबाज गिल ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुखातिब करके एक तहरीरी नोट के जरिए इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे से मुतालिक मुतजाद इत्तिलात सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि उनकी तैनाती के खिलाफ पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों का काफ़ी दबाव था और PTI के सीनियर रहनुमा भी शहबाज गिल के हर मामले में मदाखलत और जारहाना गुफ्तगू से बेजार थे। दूसरी जानिब दूर की ये कौड़ी भी लाई जा रही है कि शायद शहबाज गिल को पंजाब काबीना में तरक्की देकर वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। वजह कुछ भी हो, यह हकीकत है कि शहबाज गिल पंजाब हुकूमत की बड़ी जाँफिशानी और दिलेरी से तर्जमानी करते थे और इस हवाले से बाज़ औक़ात तर्जमानी के तमाम आदाब को बालाए ताक रख दिया करते थे। परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वजीर आजम इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को 5 साल के लिए वजीर आला पंजाब बनाया है। अगर किसी को उस्मान बुज़दार की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो वो कुछ नहीं कर सकते। शहबाज गिल ने पार्टी में प्रेशर ग्रुप को भी वार्निंग दी थी और ये कहा था कि जिसे उस्मान बुज़दार वजीर आला उस्मान बुज़दार पसंद नहीं है तो वो पार्टी छोड़ दें। उस्मान बुज़दार साहब के आपको बाल अच्छे नहीं लगते, मैं कुछ नहीं कर सकता। शक्ल अच्छी नहीं लगती, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका बोलने का लहजा अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर कहा है। अगर आपको कोई शक है तो करने की कोशिश कर लीजिए, अगर किसी को पसंद नहीं PTI छोड़ दें, छोड़ दें। कैप्टन ने एक बंदे को गोलकीपर खड़ा किया है, काम कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा छोड़ दीजिए। ये खामखा की फजूल फीकी बातें ना करें, प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, इसको चलने दें। हाँ, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर फैसला चेंज कर देंगे मैं आपको उस्मान बुज़दार साहब का पैगाम देता हूँ। उनका पैगाम ये है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो 12 घंटे से ज्यादा नहीं लेंगे तमाम चीज़ों को वाइंड अप करके अपने घर जाने में। जो ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर करेंगे चीफ मिनिस्टर वो फौरी तौर पर करेंगे, कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बनेगा। चीफ मिनिस्टर ऐसा हरगिज नहीं कहेंगे कि जी मेरी लॉबी है, मैंने तो नहीं जाना, मुझे 2 महीने ना जाने दे। तो बुनियादी तौर पे हमें काम करने दीजिए, हम डिलीवर कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार उम्र की अदायगी के लिए रवाना हो गए हैं, ताहम इससे कबल उन्होंने सूबाई वज़रा की कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसका वापसी पर जायज़ा लिया जाएगा और इसके बाद पंजाब में मज़ीद उखाड़ पछाड़ के इम्कानात मौजूद हैं। इस पर हम बात करेंगे, वज़ीर इत्तिलात पंजाब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले हम लाहौर चलते हैं हमारे नुमाइंदे खसूसी हसन रज़ा के पास। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो 2 अहम तब्दीलियाँ हुई हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें शहबाज गिल साहब की, तो
इसके पीछे वजह क्या है? उन्होंने तो एक नोट के जरिए वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भेज दिया, और जो इस्तीफ़ा देता है वो वजूहात भी बताता है कि वो क्यों इस्तीफ़ा दे रहा है। हमारे सामने नहीं है कोई वजह, आपकी नॉलेज क्या है इस पर? देखिए, इसमें दो तीन वजूहात सामने आ रही हैं, कुछ दो तीन शहबाज गिल साहब की तरफ से हैं और कुछ हैं वो उस्मान बुज़दार साहब ने चंद रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जो है वहाँ पर जाके उनको आगाह किया था। जो शहबाज गिल की वजूहत है वो ये बताते हैं कि यहाँ पे काम उस तरह होना चाहिए था, जो टास्क रखे थे, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था उसके मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा, और बाद जगहों पे ऐसी तबादले कर दिए जाते हैं जो कि मेरिट पर तैनात क्या नहीं होती, उसकी मेरे पास इतलात आती हैं तो हम उसे कहते हैं इसको ठीक करें, वो भी नहीं हो पाते। और तीसरा ये था कि अगर आप मुनासिब समझते हैं कि अगर आप समझते हैं कि कोई बंदा काम नहीं कर सकता और काबीना में आपने ऐसे अफराद को शामिल कर रखा है या अफसरान को तैनात कर रखा है या जिसका चीफ मिनिस्टर पर भी उनके तहफ़ुज़ात थे, तो उनका ये था कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मेरिट पर दें ताकि जो इमरान खान का विजन है वो बेहतर हो सके। और बाहर से जो अफराद सोचते हैं कि पंजाब एक मरकजी है, मरकज़ है पूरे पाकिस्तान का, बड़ा सूबा है, उस पर टास्क अचीव नहीं कर सकते, आए रोज़ इस तरह के मामला सामने आते हैं तो बहुत मुश्किल हैं, उस पर भी बहुत सारे मामला थे। और शहबाज गिल साहब भी जो है प्राइम मिनिस्टर को इतला जो है वो ये बात कर चुके थे कि मैं उस्मान बुज़दार के साथ काम नहीं करना चाहता, मुझे कोई और असाइनमेंट दे दी जाए। अच्छा। ये इतलात ये भी आ रही हैं, लेकिन जो उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से अगर बात की जाए, जो तहफ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा जो हुकूमत की जानिब से, वो ये कहा जाता रहा कि शायद वो महकमों में मुदाखलत करते थे, ये भी किसी हद तक बात दुरुस्त कहा जा सकता है। वो पुलिस अफसरान को भी ऑर्डर देते थे कि इसे इम्प्लीमेंट होना, इसी तरह तो सेक्रेटरी असम्बली भी ऑर्डर देते रहे हैं, बहुत सारे अफसरान हुकूमती अहदेदार ऑर्डर देते हैं जो मेरिट को अपने हाथ में कानून को लेकर इकदाम करने की कोशिश करते हैं। इस तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से यह भी कहा जाता रहा कि उन्होंने खुद एक ऑर्डर जारी करवाया था कि शायद मैं खुद महकमों में छापे मारूंगा और जाके देखूंगा ताकि बेहतर हो सके, लेकिन उसमें भी वापस करवाया गया। जब उस्मान बुज़दार साहब के वालिद साहब वफात पा गए थे वो वहां पे उनको बताए बगैर ये ऑर्डर जारी हुआ था। ये भी इतला था कि शायद वो उस्मान बुज़दार साहब ये चाहते थे कि ये हर काम में मुदाखलत ना करें, जिसके वजह से मुदाखलत असल मसला है। उनको जो अब तक इतला है जो आपके पास भी हैं और जो हम भी सुन रहे हैं वो यही वजूहात सामने आ रही हैं। ऑन चौधरी साहब के बारे में, वो तो वज़ीर आज़म के बहुत ख़ास रहे हैं, वज़ीर आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं माजी में, उनको क्यों तब्दील किया गया है? देखिए, दो इनके हवाले से भी दो इतलात है, एक ये जो टास्क दिया गया था वो अचीव नहीं कर पाए और कुछ अपने अफराद मनपसंद जो है वो तैनातियाँ चाहते थे, और चंद रोज़ कबल एक वाक़या पेश आया, बताया ये जाता है कि शायद उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका हाथ है, और प्राइम मिनिस्टर से भी वो मुलाकात कर चुके हैं और वो ये चाहते थे कि उनको बहुत सारे इख्तियारात दिए जाएं, लेकिन शायद उनको वहाँ से हटा के इतलात का एक डिपार्टमेंट है जिसका चेयरपर्सन वहाँ पे तैनात किए जाने का इम्कान है, वहाँ पर जो है वो कोशिशें जारी हैं। और ये भी इतलात है कि शायद वो ये भी चाहते हैं कि अमीन चौधरी जो कि इनके भाई कहलाते हैं, शायद उनको वजारत देने के हवाले से वो कोशिशें करने गए थे, लेकिन क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब को ये कहा कि अगर आप मुझसे काम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो मुझे फुल फ्री हैंड दिया जाए, उन्होंने फ्री हैंड दिया है, तो उनसे कहा कि आप रिजल्ट मांगे, हम आपसे टाइम देंगे, वो रिजल्ट देंगे, अगर वो फिर भी रिजल्ट नहीं दे पाते तो फिर देखते हैं कि कौन तब्दील होता है, किस किस की बारी आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा, आपने तफसील से हमें बताया, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर एक्चुअल वजीर इत्तलात आप थे, मगर शहबाज गिल साहब जो कि तर्जुमान थे वजीर आला के, वो हमें हर जगह पंजाब हुकूमत को भी डिफेंड करते नज़र आते थे, हर जगह वज़ीर आला को भी डिफेंड करते नज़र आते थे, वो मीडिया में भी होते थे, वो छापे मारना भी चाहते थे, आप कहीं नज़र नहीं आते थे। सर क्या क्या वजह क्या थी इसकी? बहुत शुक्रिया मसूर रजा साहब आपका। देखें, अभी जो मेरे सारी गुफ्तगू सुनी है, सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी बात इस लिहाज से करना चाह रहा हूँ कि अभी जो एक कहानी सुनाई गई कि ओन चौधरी साहब के हवाले से कि उन्हें टास्क दिया गया था, वो टास्क पूरा नहीं किया गया, वो कोई मनपसंद तैनातियाँ चाहते थे, पहली एक बात आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, आपके टीवी की इतला के लिए अर्ज़ है और नाजरीन के लिए कि उन्हें कोई पोर्टफोलियो पिछले एक साल से नहीं दिया गया था, आप जेन में रखे, इसलिए कि अभी कुछ हम स्पेस देख रहे थे कि बेहतर अंदाज में किस जगह पर लगाया जाए। दूसरी बात है आज कोई पोर्टफोलियो उनके पास नहीं था, तैनाती सर उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था और वो हुकूमत का काम कर रहे थे, नहीं था जी, ऐसा ही है, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, अभी कहा ना कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं इसमें
मैं अर्ज करो एक एडवाइज़र की हैसियत से वो वज़ीर आला साहब को एक एडवाइज़र की हैसियत से असिस्ट करते थे, नंबर एक बात। एडवाइजरी दूसरी तो बात जो तैनातियों के हवाले से हुई जी, देखिए सीएम साहब का प्रोगेटिव है कि पांच जो आइन और कानून के मुताबिक है कि पांच स्पेशल एडवाइज़र और पांच एडवाइज़र रखे जा सकते हैं। उनकी जो जो उनसे पोर्टफोलियो वापस लिया गया उसके बारे में मैं आपको आपको डिटेल बता देता हूं कि हमारे एक सबका एमपीए जो 2013 में मेरे साथ असेंबली थे यूथ की सीट से वो असेंबली में आए थे पाकिस्तान में जो हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो यूथ की सीट्स दी थी उनमें से 2018 के इलेक्शन में उनको टिकट नहीं दी गई। जब टिकट नहीं दी गई तो फिर ये फैसला किया गया कि उनको एक एडवाइज़र की हैसियत से वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया कि अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल किया जाए, उनको टूरिज्म का और इसके साथ साथ पीएचए का जो है वो एडवाइज़र लगाया गया जिसका आज नोटिफिकेशन भी हो गया। लिहाजा क्योंकि पाँच से ज़्यादा हम एडवाइज़र रख नहीं सकते थे लिहाजा उस लिहाज से वो तब्दील किया गया। जहाँ तक डॉक्टर शहबाज़ गिल के बारे में बताया गया कि जनाब डॉक्टर शहबाज़ गिल साहब जो थे वो कोई मदाखलत कर रहे थे, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि शहबाज़ गिल साहब जो हैं वो मेरे से पहले पार्टी इस पार्टी के अंदर है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर है, खान साहब के साथ हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उनको बेहतर अंदाज में किसी न किसी जगह पर एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा। दूसरी बात यह रही कि पंजाब के अंदर किसी किस्म की कोई मदाखलत कोई बंदा नहीं कर सकता, इसके सरबरा उस्मान बुज़दार साहब हैं। जिस तरह से मैं एक मसूद रजा आपको एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर हमारी एक क्वार्टरली रिव्यू एक मीटिंग होती है जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको जज किया जाता है, उसका मैं भी एक मेंबर हूँ, तमाम मिनिस्ट्री को उधर देखा जाता है, जो मिनिस्टर अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट परफॉर्मेंस की जाती है, अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी कोई रिपोर्ट जाती है। अब यहां पर मुझे कुछ ऐड करने दें, करेगा तो अपनी आपने जगह बता दिया, आपने बताया कि शहबाज़ गिल साहब को बेहतर जिम्मेदारी दी जा रही है। सिर्फ मुझे ये एक तरफ आप फरमा रहे हैं कि एक साहब थे जिनको टिकट नहीं दिया, उनको एडजस्ट करना था, ओन चौधरी साहब को कहीं और एडजस्ट किया गया, शहबाज़ गिल साहब को आपको उम्मीद है कि बेहतर तौर पर दोबारा से एडजस्ट किया जाएगा, एक तरफ आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उनको तब्दील किया जाता है। सर यहां एडजस्टमेंट मसला है या परफॉर्मेंस मसला है? देखें बात यह है कि अगर किसी ने फर्ज करे किसी जगह पर परफॉर्म नहीं किया तो उसकी जगह पर उस रिप्लेसमेंट भी उसकी हम लोगों ने पीछे भी की है, किसी ने परफॉर्म किया फेडरल हुकूमत में देख ले, मुराद सईद स्टेट मिनिस्टर थे उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया गया, हमाद अजहर स्टेट मिनिस्टर थे उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया गया, जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया। सर इन दोनों शख्सियत के मामले में परफॉर्मेंस इशू है या एडजस्टमेंट इशू है, परफॉर्मेंस या एडजस्टमेंट, ये क्लियर कर दी। देखिए गुजारिश सुने हम ये देखे, मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि जब जहाँ तक ओन चौधरी साहब का तल्लुक है तो उनकी उनको तो कोई महकमा नहीं दिया गया था, वो एक वैसे नहीं सर उनके पास पोर्टफोलियो था, हमने ये असिस्टेंट का आपने खुद फरमाया आप बता दें पांच रख सकती, उनके पास एक पोर्टफोलियो था सर स्पेशल असिस्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है, स्पेशल असिस्टेंट एक ओहदा है, फिर उसके बाद उसके साथ किसी वजारत का पोर्टफोलियो दिया जाता है। अच्छा। वो किसी वजारत का पोर्टफोलियो उनके पास नहीं था, बाकी जितने भी आपके पास स्पेशल एडवाइजर हमारी हुकूमत में है उनके पास पोर्टफोलियो है, मेरी बात आप समझने की कोशिश करें, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था। सर समझ में आ गई बात, को वैसे असिस्ट कर रहे थे। एक बात कि ये दूसरी बात जो मैं परफॉर्मेंस बेस है, परफॉर्मेंस बेस है या ये एडजस्टमेंट है, इसको वाजे कर दीजिए। देखिए गुजारिश सुने, परफॉर्मेंस बेस भी है और जो हमारे हम समझते हैं कि हमारे जो बहुत ज़बरदस्त जिनकी बड़ी कुर्बानियां पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए और अदरवाइज उन्होंने परफॉर्म पिछली असम्बली में किया है और उनको किसी बिना पर किसी वजह से अगर जनरल इलेक्शन के अंदर उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई तो उनको एक एडजस्ट करने का भी है कि आप जो जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म पिछली असेंबली में किया हुआ है उनको किसी ना किसी तरीके से उस टीम का हिस्सा बनाया जाए जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको एडजस्ट किया। मसूद रजा ठीक है सर, मसूद रजा साहब एक बात सर, एक चीज और वक्त कम है, मैं जरूर आगे ये रवायत से जी ये फरमा दी कि ये इतलात हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दे दिया है कि वो तमाम तकरूर तबादले तकरूरियाँ सब कर सकते हैं और काबीना में भी अगर रीफ शफल करना चाहें या किसी को रखना चाहें निकालना चाहें तो वो कर सकते हैं, फ्री हैंड दे दिया है। तो अब जब वो वापस आएंगे उम्र से तो फिर काबीना में मज़ीद
तब्दीलियों का इम्कान है? देखें, ये उस्मान बज़दार साहब का, जहाँ तक आपने फ्री हैंड का, पहले भी उनके पास फ्री हैंड है। उस्मान बज़दार साहब ने एक काम ज़रूर किया है कि इस दफ़ा पहली बारी पाकिस्तान की तारीख में, मैं पहले भी मिनिस्टर रहा हूँ 2002 में भी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा उस्मान बज़दार साहब ने अपनी टीम को मजबूत किया है, अपने जो मिनिस्टर हैं उनको एम्पावर किया है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी एक अलहदा जो हमारा सेल बनाया क्वार्टरली रिव्यू कमेटी का, उसके अंदर होता है। सो एक पावर्स अपने मिनिस्टर्स को ज़रूर दी हैं, और इतना पावरफुल किया है कि आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर जिस तरह से जो टारगेट सेट किए जाते हैं उन टारगेट्स को आपने अचीव करना है। अगर कोई टारगेट अचीव नहीं करता है तो फिर उसके बाद उस चीज़ को देखा जाता है क्या अब इसको रिप्लेस किस तरह से करना है। जी सर, वो अकाउंटेबिलिटी की जो सर आप बात कर रहे हैं, तो अभी तक जितनी भी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, लोगों को रिप्लेस किया गया है, एक वजारत से हटाया गया है तो दूसरी वजारत दी गई है, ये अकाउंटेबिलिटी तो हमने देखी। सर, काबीना में रिशफल आपने कहा कि ये वजीर आला का इख्तियार है, वो जब चाहें वो कर सकती, ठीक है, जब वापस आएंगे तो फिर हम देखेंगे। सर, एक साल गुजर चुका है, ये दूसरा साल शुरू हो चुका है, अब तक अगर देखें तो 200 के करीब ब्यूरोक्रेट्स उनके तबादले हो चुके हैं, उसमें हर सतह के लोग मौजूद हैं। इसी तरह पुलिस में देखें तो आईजी से लेकर नीचे तक कोई 200 तबादले तकरूरियाँ इसमें हो चुकी हैं। सर, ये तबादले तकरूरियाँ रीशफल ये कब तक चलता रहेगा, और एक्चुअल परफॉर्मेंस जिसकी तवक्को की जाती है पंजाब में वो कब नज़र आएगी? देखिए मसूर रजा साहब, अगर तो सिर्फ ये है कि मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी मद्देनज़र रखा जाता है। अब आप देखें कि हमने पंजाब के अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, उन प्रोजेक्ट को, उसमें आपका एहसास प्रोग्राम है, उसमें हेल्थ कार्ड का प्रोग्राम है, उसमें पुलिस खिदमत मराकज़ का है, उसमें पनाहगाहें हैं, उसमें MTI जो हॉस्पिटल के हवाले से है, इसके अलावा बेशुमार हैं, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हैं। देखें, अगर मिनिस्टर चेंज हो सकता है तो फिर ब्यूरोक्रेट भी चेंज हो सकता है, ब्यूरोक्रेट की परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। और जहां तक वजीर आला उस्मान बज़दार साहब का तल्लक है, बाख्तियार वजीर आला भी हैं, परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़े हैं, टीम को कॉन्फिडेंस भी देते हैं, टीम से पूछते भी हैं, और इसके साथ साथ एक पैरामीटर भी रखा हुआ है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट भी अगर परफॉर्म नहीं करेगा, आपने कहा कि 200 ब्यूरोक्रेट आपने चेंज कर दिए, भाई जब हमारी हुकूमत आई है तो हमने जो अपनी टीम लेकर आना था, जो हम समझते थे कि कौन सा बंदा, कौन सा सेक्टी, कौन सा DCO, कौन सा DPO, कौन सा IG किस जगह पर परफॉर्म कर सकता है, हम वो टीम लेकर आए। अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो फिर हाँ, फिर ये हमारा हक बनता है कि हम अपनी टीम को चेंज करें। सर, और हम परफॉर्मेंस जो मैं, क्योंकि दूसरा साल शुरू हो चुका है सर, ये ऑन चौधरी साहब के बारे में जो इनकी परफॉर्मेंस बेस इनकी तब्दीली है या एडजस्टमेंट है, जो कुछ भी है, इत्तलात ये है कि आपके ही वजारत में उनको अब जगह दी जाएगी, सर ये दुरुस्त बात है? देखें मसूर रजा साहब, आप बात कर लेते हैं, उसके बाद का जवाब नहीं देने देते, गुजारिश ये आपका सवाल हो जाता है, फिर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जवाब देने का मौका दे दिया करें ताकि हम जवाब दे सके। मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखें मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये वजीर आला पंजाब का इस्तेकाक है कि उन्होंने अपने किस प्लेयर को किस जगह पर खिलाना है। अगर वो ये समझते हैं कि ओन चौधरी साहब जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो इधर आगे कर लेंगे, अगर वो समझते हैं कि किसी और जगह पर मैंने उनकी परफॉर्मेंस लेनी है तो किसी और जगह पर लगा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली देखना ये है कि जिसको भी जो जिम्मेदारी दी गई है जा रहे क्या वो जिम्मेदारी उसने आसान तरीके से निभाई नहीं है। जी सर, आपकी तरफ आ रही, आपकी वजारत में आ रही, सर ये वजीर आला ने फैसला करना है, मैंने उस चीज का फैसला नहीं करना, वजीर आला साहब उमरे पे हैं, 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह ताला वापस आ जाते हैं, जो भी फैसला करेंगे वो पंजाब की आवाम के लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, और जो हमारा जो जिस बुनियाद पर हमने आवाम से वोट लिए इंशाल्लाह ताला उसके लिए बेहतर होगा। सो मैं ये समझता हूँ ये रवायत से, देखें मसूद रजा साहब, कभी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि आप एक बड़ी थिन मेजोरिटी के ऊपर बैठे हुए हैं और आप हिम्मत करें, हमने KPK के अंदर भी आपने देखा कि हमारे इलेक्शन सर पे थे और जिन बंदों ने अपने वोट को बेचा था, हमें तस्दीक हुई थी, इमरान खान ने आधी असम्बली को अपनी PTI से निकाल दिया था, इतने बहादराना फैसले वही लोग किया करते हैं जो सिर्फ मुल्क के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए। अगर हम ये सोचें कि मेरा कोई MPA नाराज़ हो जाएगा, मेरा कोई मिनिस्टर नाराज़ हो जाएगा और मैंने फैसला इसलिए नहीं बदलना, कल को ये असेंबली में जाकर कोई उल्टा कोई फैसला ना कर, भाई हमारी डायरेक्शन ठीक है। अगर हम थिन मेजोरिटी पे बैठे हैं उसके बावजूद वजीर आला पंजाब इतने बहादुराना फैसले कर रहे हैं
कि वो टीम में समझते हैं कि अगर किसी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है या इसको अब मैंने इस जगह पर नहीं खिलाना किसी दूसरी जगह पर खिलाना है, तो उसके फैसलों को आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, देखें वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है वो एक बड़े फैसले भी करता है सिर्फ इसलिए कि परफॉर्मेंस बेहतर हो, गुड गवर्नेंस हो और लोगों को बेहतर अंदाज में हम जो चीज़ें हैं वो करके दे सके जो हम मैंडेट लेकर आए और जिसका हमने वादा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर कराची की बात करेंगे जहाँ ये बात की जा रही है कि विफाक कराची को टेक ओवर कर ले, इसका इंतज़ाम संभाल ले और पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद इस पर रिएक्शन मौजूद है। एक ब्रेक के बाद हमने कल भी अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि सिंध का 90% और मुल्क का 70% टैक्स देने वाला शहर कराची सिसक सिसक कर जी रहा है। जो शहर कभी रोशनियों का शहर कहलाता था वो अब टूटी फूटी सड़कों का शहर है, कूड़े के ढेरों का शहर है, खस्ता हाल बसों पर उनकी छतों पर चढ़कर सफ़र करते मुफलिसों का शहर है और पीने के पानी को तरसते लोगों का शहर बन चुका है। और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को कराची की लावारिसी और इसके जो हालत है इस वक्त उस पर बिल्कुल भी कोई पशेमानी नहीं है। आज हम कराची की यतीमी के बारे में, कराची के शहरियों की राय जब जानना चाहिए हमने तो हम उनके पास गए, हमने उनसे बात की और उन्होंने भी कराची की बेबसी और बेकसी का शिकवा किया। कोई भी एक चेहरा जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, जिसमें मेयर भी हो सकता है, फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, सिंध गवर्नमेंट भी हो सकती है, वन मैन शो की ज़रूरत है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मुखलिस होकर शहर के साथ शहर के लिए काम कर ले, तो ये सारे मामला हल हो जाएंगे और ये बेहतर हो जाएगी सिचुएशन। जहाँ भी जाओ आपको कचरा नज़र आएगा, सेवरेज का पानी आपको रोडों में नज़र आएगा और रोड आपको टूटे हुए नज़र आएंगे। यही कंपेयर करो लाहौर से तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ये वो बंदे आए जिनकी नीयतें सही हों कराची को काम करने के लिए तो फिर हो सकता है। अच्छी और ईमानदार लीडरशिप होगी, बेहतरीन हालात हो जाएंगे, क्योंकि लीडरशिप एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि भाई इन्होंने नहीं किया, वो नहीं कर रहे, उन्होंने हमें ये नहीं दिया, ये सब फजूल बातें हैं। जो करने वाले लोग हैं अगर ठान लें तो पाकिस्तानी कौम से बेहतर कौम कोई नहीं है। और इसको कोई पूछने वाले ना सदर साहब हैं ना वज़ीर आज़म हैं, सिर्फ ज़ुबानी खाली खर्च कर रहे हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। गटर उबल रहे हैं, गलाजत उबल रही है, कोई जगह ऐसी नहीं। जिस्मानी बीमारियाँ, अंदरूनी बीमारियाँ, बच्चे बीमार, गलाजत। पॉलिटिशियन जो यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं बेसिकली कराची के ऊपर, वो उनके मसाइल को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिशियन, एक ही सियासी जमात काम कर रही होगी तो इंशाल्लाह तमाम मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये कराची के शहरी वाले जो बात कर रहे हैं कि कराची में तब्दीली आनी चाहिए, कराची में अब काम होना चाहिए, सियासत बहुत हो चुकी, इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फहीम जमान साहब, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के। फहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। फहीम साहब ये फरमाएं कि विफाक की तरफ से ये बात की गई कि आर्टिकल 149(4) के तहत हम डायरेक्शन देंगे, जिसको फिर ये समझा गया कि वो कोई कब्ज़ा करने आ रहे हैं। इतनी सी बात करने पर ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, एक जैसे कि ना जाने कौन सी ऐसी बात कर दी। और फिर इतना दिफा भी किया जाता है कि नहीं जी कराची में तो बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से कंपेयर कर लें कराची को, मगर कराची की जो सिचुएशन है वो सब जानते ही हैं। सर हल क्या है इसका? विफाक अगर आना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, तो इसमें मुज़ायका क्या है? मसूद, कराची के को ठीक करना क्यों ज़रूरी है? कराची को ठीक करना, ये मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सिर्फ कराची का नहीं, मुल्क के बेशतर शहरों का हाल वही है शायद जो इस वक्त कराची का है, मगर कराची पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। जैसे आपने कहा फेडरल और प्रोविंशियल टैक्सेस में जो कराची का रोल है, अगर आप कराची को लिवेबल बना दो, इस वक्त तो कराची दुनिया के जो 140 150 में से कोई पाँचवें फिफ्थ लास्ट नंबर पे आया था, वो बेसिकली कराची का जो पोटेंशियल है उसको मैक्सिमाइज करने का, ऑप्टिमाइज करने का मौका नहीं देता। अगर आप इसको एक लिवेबल शहर बनाओगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्बेज, इन चीज़ों को ठीक करोगे तो ये पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। मजीद जो पोटेंशियल कराची का है वो किसी दूसरे शहर का नहीं है। अच्छा, ये तो तहमीद हो गई। अब जरा आइए जो बहस इस वक्त चल रही है। देखिए, सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अरबाब इख्तदार
چاہے وہ وفاق کے سطح پہ ہوں، چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہوں، یا ایون بدنصیبی کہہ لیجئے مقامی سطح پہ ہیں، ان سب کے پاس کراچی کے مسئلے کو سمجھنے کا، یا وہ کہتے ہیں نا مسئلے کا ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا۔ دیکھیے کراچی کا بہت بڑا، جو عام آدمی رو رہا ہے وہ صرف گاربیج پہ نہیں رو رہا، گاربیج تو ہے، گاربیج آہستہ آہستہ پائل اپ ہوا۔ سر اس میں 2008 سے جس طرح سے کرنا چاہتا ہوں جی، کل ہی سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی دنیا کا پانچواں ایسا شہر ہے جو ناقابل رہائش ہے، تو یہ سچویشن آج سے نہیں ہے، 60-70 سال سے ایک آدھ نمبر ہی آگے پیچھے ہوتا ہے، اسی پوزیشن پہ رہتا ہے، اب تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں سعید غنی صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، میں فاروق نسیم صاحب کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، میں مراد علی شاہ صاحب کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان میں سے کسی کو بھی بدنیت نہیں سمجھتا۔ میں نے پھر کہا نا، مسئلے کو سمجھنا یا جو اس کا ادراک کی ضرورت ہے وہ ادراک نہیں ہے۔ دیکھیے کراچی کا ایمانداری سے اگر آپ دیکھیں، جو بیڑا غرق ہوا ہے نا، جو حال تباہی آئی ہے، وہ بیسکلی آئی اراؤنڈ 2008۔ میں انفراسٹرکچر کے مت کی بات کر رہا ہوں، جب کراچی کو ایک طرف گورنر عشرت العباد صاحب تھے، دوسری طرف جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر تھے آغا سراج درانی صاحب، جی ایسا محسوس ہوا کہ دونوں نے شہروں کو اور کراچی اور دیگر ان کو آپس میں بانٹ لیا، اور پھر دکانیں کھل گئیں، اور وہ جو دکانیں کھلیں اور ان کا جو ایک بیک لاگ آنا شروع ہوا، وہ جو ہے وہ پچھلے تقریباً 10-11 سال میں اس نہج پہ پہنچا ہے۔ کراچی کا حال صحیح ہے کہ کراچی کا حال مگر کراچی کا حال 2006 2007 2008 میں اتنا برا نہیں تھا لاہور کے مقابلے میں جو آج برا ہے، اسلام آباد کے مقابلے میں اتنا برا نہیں تھا جو آج برا ہے۔ آج تو کراچی کے اندر ایمانداری سے آپ دیکھیں، صرف کچرے کو چھوڑ دیجئے سر، یہ 2008 کے بعد سے اب تک لے کر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ دیکھیے مسعود سر، اگر آپ 2008 سے 2019 کا اگر آپ گراف بنائیں گے اور آپ کہیں گے یہ ایک لینئر گراف ہے تباہی کی طرف، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا تباہی کی طرف ہے؟ بالکل ہے۔ اس کے اندر ذمہ داری کس کس کی ہے؟ ان چیزوں کو ضرور دیکھیے۔ میرے نزدیک کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے جو تباہی میں، وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کچرا نہیں اٹھ رہا یا پانی نہیں اٹھ رہا، مسئلہ یہ کہ آپ نے بلدیاتی نظام کو اس طرح سے تتر بتر کر دیا ہے کہ کراچی کا بلدیاتی نظام، کراچی کے انفراسٹرکچر اور کراچی اس کو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں 2008 سے بی آر ٹی، گرین لائن، ریڈ لائن، یلو لائن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک بس نہیں چل کے دیتی، مگر اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک تسلسل ہیں۔ میں صرف اور صرف کراچی کے، دیکھیں ہم نے، میرے اب جب والدین جو انڈیا سے کبھی آئے تھے، ہم تو بڑے مشکلوں سے اب جا کر اپنے آپ کو سندھی سمجھنا ہم نے شروع کیا تھا۔ ایسی خدارا کوئی بات نہ کریں کہ جس کے اندر سندھ کے اندر جو ہے کانفلکٹ پیدا ہو اور سندھ کے اندر دوبارہ ایک تضاد اور ایک تفاوت۔ بہت بہت شکریہ جناب فہیم زمان صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی، اور آخر میں بہت امپورٹنٹ بات کہہ گئے کہ جو لالچ پہ مبنی نظام ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کون کرے گا؟ وہی سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی، ایم کیو ایم، تحریک انصاف، اور پہلے کون ٹھیک نہیں کرتے رہے؟ جواب آپ کو اسی کے اندر سے مل جائے گا۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے، ایف بی آر ایک موبائل اپلیکیشن لانچ کرنے جا رہی ہے جس سے تنخواہ دار طبقے کو خاصا فائدہ ہوگا کہ وہ گھر بیٹھے کسی بھی وقت اپنے ٹیکس ریٹرنز فائلز کر سکتے ہیں۔ شبر زاہد صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں۔ وزیراعظم عمران خان کی نئی معاشی ٹیم ملک میں معیشت کو دستاویزی بنانے اور 5,500 ارب روپے ٹیکس کلیکشن یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر چکی ہے اور مزید بھی کرنے جا رہی ہے۔ اب فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ملک میں تنخواہ دار طبقے کی رہنمائی کے لیے ایک اسمارٹ فون اپلیکیشن تیار کی ہے۔ یہ ٹیکس آسان موبائل ایپ گوگل پلے اسٹور پر دستیاب ہوگی، اور اس کے ذریعے آج سے ایک عام تنخواہ دار آدمی بھی اپنی ٹیکسی معلومات، ٹیکس کی ادائیگی اور دیگر تفصیلات اسمارٹ فون پر حاصل کر سکے گا۔ چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے کل ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ الحمدللہ
तनख्वाहदार अफराद के लिए एक मोबाइल ऐप का इजरा किया जा रहा है। अब तनख्वाहदार तबका टैक्स रिटर्न समेत तमाम मालूमात अपने स्मार्टफोन के जरिए हासिल कर सकेगा। ये अमल टैक्स निज़ाम की मुकम्मल तौर पर उसको इस पूरे निज़ाम को डिजिटल करने की जानिब एक कदम है। बहुत अहम बात यह भी है कि मुल्की तारीख में पहली बार 25 लाख अफराद दस्तावेजी मईशत और टैक्स नेट का हिस्सा बन चुके हैं। 3 रोज़ पहले ही कराची टैक्स बार एसोसिएशन ने यह दावा किया था कि टैक्स रिटर्न्स फार्म में खामियों की वजह से बेशतर फाइलर्स भी FBR के तयशुदा 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की जो उनकी मुद्दत है उस तक टैक्स रिटर्न्स वो फाइल नहीं कर सकेंगे। तमाम मसाइल तहफ़ुज़ात और इस्लाहात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन FBR जनाब शब्बर जैदी साहब। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताएं कि ये जो नई एप्लीकेशन आपने लॉन्च की है ये सिर्फ तनख्वाहदार तबके के लिए, और ये सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसका इजरा हो चुका है या इजरा होने जा रहा है, और इससे सिर्फ तनख्वाहदार तबका वही इसको इस्तेमाल कर सकेगा या दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी? मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर आप प्रोग्राम में लेने का मुझे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंशाल्लाह ताला आज रात को हम बाय द एंड ऑफ द डे इसको लॉन्च कर देंगे। और अभी ये जो इस वक्त जो स्कीम है इसके तहत ये सिर्फ इस वक्त तनख्वाहदार तबके के लिए है सिर्फ, मगर हमारी कोशिश है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और तमाम लोगों के लिए ये चीज़ इसकी सहूलत हासिल हो। मैं इसको मज़ीद वाज़े कर दूं कि आज भी कोई भी आदमी अपने रिटर्न वो थ्रू कंप्यूटर फाइल कर सकता है। वो IRS की जाके रिटर्न फाइल करनी होती है उसको, ये ऑलरेडी ऑटोमेटेड है। ये जो हमने स्टेप आज मोबाइल ऐप का स्टेप लिया है ये इससे एक स्टेप अहेड है। इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर के बजाय आपको मोबाइल ऐप पे जाके गूगल से बाय करके आप उसको लेके और फिर आप वो मोबाइल ऐप के तहत रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की सिस्टम उस सिस्टम में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इस मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जो आम आदमी की शिकायत ये है कि वो जो रिटर्न फॉर्म होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उससे रिलेट नहीं कर रही होती, और वो एक आम आदमी जो सैलरी की इनकम ले रहा होता है उसको उसके लिए एक आम रिटर्न भरना बहुत मुश्किल है। इस मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आपसे रेलिवेंट सवाल करता जाएगा और सिर्फ जो आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आती जाएगी, और आप अगर उसको भरते जाएंगे तो आपकी रिटर्न जमा होती जाएगी और आहिस्ता और उसी हिसाब से वो रिटर्न जमा हो जाएगी। आपको इररेलेवेंट डिटेल और इररेलेवेंट चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के टैक्स फाइलिंग सिस्टम के साथ बिल्कुल रिलेट करती है। सिमिलरली अगर वो आदमी ये चाहता है कि वो उस मोबाइल ऐप के तहत टैक्स पेमेंट कर दे तो हमारे पास इसी मोबाइल ऐप पे टैक्स पेमेंट का भी एक तरीका है जिससे वो टैक्स पेमेंट भी कर सकता है। और दूसरी खूबी जो इस मोबाइल ऐप की होगी कि ये उर्दू ज़बान में भी मौजूद है। आपके तमाम सवालात और जवाबात उर्दू ज़बान में भी आते जाएंगे। आपके पास ज़बान की ऑप्शन मौजूद है, आप चाहे अंग्रेज़ी में उसको उससे सवाल जवाब कर लें या अंग्रेज़ी में सवाल कर लें। और हमने उसको उसके साथ उसकी जब उस ऐप में उसके कंसर्न फोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं कि अगर आपको समझने में किसी को दिक्कत आ रही है तो वो उस ऐप के साथ उसको रिलेट करता जा रहा है। तो अब मैं इस मोबाइल ऐप की जो इंशाल्लाह लॉन्चिंग आज रात को हो जाएगी, इसके बाद ये मैं दावा कर सकता हूँ कि पाकिस्तान भी अब उस राह पे चल चुका है जहाँ पर डिजिटलाइजेशन ऑफ दी जो ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और ह्यूमन इंटरवेंशन और जो शिकायत थी कि टैक्स रिटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भरना बहुत मुश्किल है, कम से कम सैलरी की स्टेज तक हमने उसको बहुत आसान तरीन करके उसका आसान में रख दिया है। ऑल्दो ये हमारी आज ये पहली कोशिश है पाकिस्तान में, वो कुछ छोटी बहुत जस्टिन प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, मगर ये पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला ये एक नई सिंध की तरफ एक हमारी एक पेशकदमी है। ठीक है, आपकी गुफ्तगू सुन के समझ में आ रहा है कि एक इनकलाबी कदम है जो आपने उठाया है, लोगों को बड़ी आसानी इस पर मिलेगी। हमारे साथ शब्बर जैदी साहब ज़िशान मर्चेंट साहब भी मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं टैक्स उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी वक्त दिया। आपने गुफ्तगू सुनी शब्बर जैदी साहब की, ये जो नई एप्लीकेशन मुतारिफ़ कराई गई है इसके क्या आपके नज़दीक बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या आप समझते हैं मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए, और
एक नया फॉर्म भी अब उसका भी इजरा हो रहा है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। और 30 सितंबर आखिरी तारीख भी है, तो 30 सितंबर तक लोगों को बड़ी आसानी मिल जाएगी। आपकी इस पर राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे हिसाब से ये एक बड़ा डायनामिक स्टेप है जो FBI ने इस वक्त लिया है। और अगर ये एप्लीकेशन, जैसे शबर साहब ने खुद भी अभी फरमाया, कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है आए इसमें, लेकिन जब ये एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क करने लगेगी, तो मेरे हिसाब से उन तनख्वाहदार लोगों को जिनको अपना रिटर्न फाइल करना है, उनको काफ़ी आसानी इससे मिल सकती है। मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली अवेयरनेस का बहुत बड़ा इशू है। जब हम रिटर्न फाइल करने के लिए आज भी अगर किसी सैलरीड पर्सन से बात करते हैं, तो मैं उसे सिर्फ यही कहता हूँ कि आपको सिर्फ 4 फिगर्स भरनी है और आपका रिटर्न फाइल हो सकता है। एक सैलरी के अमाउंट, एक जो टैक्स आपका एम्प्लॉयर ने काटा वो, और अगर बैंक प्रॉफिट है वो, और उसका टैक्स। एक आम आदमी को तो समझ में नहीं आता ये 4 फिगर्स अगर किसी भी आदमी के पास हो, तो वो टैक्स रिटर्न अपना खुद से फाइल कर सकता है। किसी टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है, किसी के पास धक्का खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको कंप्यूटर की अवेयरनेस होनी लाजमी है, उसके पास या तो एक कंप्यूटर सिस्टम मौजूद हो, लेकिन जैसे अब एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन आने जा रही है, तो अब मेरे ख्याल से उस कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके जरिए ये टैक्स रिटर्न फाइल हो सकेगा। और जैसे शबा साहब ने अभी फरमाया कि उर्दू में भी उसके लिए हेल्प मौजूद है और इंग्लिश में भी हेल्प मौजूद है, तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा डायनामिक स्टेप है जो FBI ने लिया। अप्रिशिएट करना चाहिए इसको और इसको पजीराई भी मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज 13 सितंबर को ये एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रही है, इसके साथ साथ अवेयरनेस और हेल्प की जो वीडियोज़ हैं, अगर वो भी FBI अपनी वेबसाइट पर डाल दे या इस एप्लीकेशन में भी वो हेल्प ट्यूटोरियल डाल दे, तो मेरे ख्याल से लोगों को मजीद आसानियां इसमें हो जाएंगी। कह रहे हैं कि एप्लीकेशन में पिक्चर्स मौजूद हैं जनाब, अगर वो वैसे मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा इकदाम है और इसको सराहना भी चाहिए। शबर जही साहब, आपके पास एक हिमालयाई हदफ है टैक्स रिटर्न, टैक्स जमा करने का। अगर हम जुलाई और अगस्त के आज़ाद व शुमार देखें, गो के FBI ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, ज़्यादा पैसे जमा किए, लेकिन फिर भी आप अपने हदफ से 64 अरब रुपए पीछे हैं, तो सर ये एक बड़ा गैप है। मसूद साहब, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, आप कह रहे हैं ये गैप है, मेरे हिसाब से ये गैप नहीं है। इसकी वजह मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आपको बात थोड़ी वाजह हो जाएगी। देखिए, हमारी जो टैक्सेशन कलेक्शन है उसमें तकरीबन 50% तकरीबन 47% कलेक्शन इम्पोर्ट स्टेज पर होती है, और पाकिस्तान में इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त तकरीबन 1.7 बिलियन रुपीज़ की इम्पोर्ट कंप्रेशन आई है। मतलब ये कि इम्पोर्ट की वैल्यू जो है वो कम हुई है उस इम्पोर्ट से जो कि होनी चाहिए थी, और ये पाकिस्तान की बैलेंस पेमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव एंगल है कि पाकिस्तान की अदायगियों का जो तवाजुन है वो बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से अगर आप उसको 1.7 बिलियन रुपीज़ को अकाउंट फॉर करें, तो तकरीबन 80 बिलियन का शॉर्ट का की कमी हमारी कंप्रेशन ऑफ इम्पोर्ट की वजह से टैक्स कलेक्शन में आई है। ठीक है, तो अगर आप उसको 65 से माइनस करें, तो टेक्निकली जो आप शॉर्टफॉल से आप बात कर रहे हैं वो टोटली जस्टिफाइबल है और रीजनेबल है, इसलिए हम उसके बारे में उस हद तक परेशान नहीं हैं। मगर मैं यहाँ आपकी बात को एग्री करता हूँ कि हमें अपने आदाब जो है हासिल करने की कोशिश करनी है, और आप ये देख रहे हैं जिस तरह आपने खुद भी कहा कि हम अपने लोकल टैक्सेस में तकरीबन 25% की इंक्रीज अभी तक लेके आ रहे हैं, और हम अभी भी अपने कोशिश करेंगे कि अपने आदाब को पूरा करें और ये इंक्रीज जो है आपके सामने रखे है। जो मगर सर, 5,500 अरब रुपए का एक बड़ा टारगेट आपके सामने, वो आप अचीव कर पाएंगे? अभी भी आप देखिए, मैंने आपको मैंने कहा ना कि देखिए, टारगेट हाई रखना, मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ, टारगेट हाई रखना एक अच्छी टीम की खूबी होती है, और अगर हम टारगेट को लो रखेंगे तो फिर हमारी जो स्प्रिट ऑफ एनर्जी है वो कम हो जाती है। इसको किसी सक्सेस और उसके मियार में जांचना हर लिहाज से वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हमें हर चीज़ को एक पैराए में उसको देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 2 महीनों में 80 बिलियन की का शॉर्टफॉल आया बिकॉज इम्पोर्ट कंप्रेशन, जो एक लिहाज से अच्छा है सर। तो अगर सर, उसको आप 65 से माइनस करें तो पॉजिटिव होता है 15 बिलियन का।
जो टारगेट आपने रखा है ये IMF के साथ आपका तयशुदा है, तो आपको उस पर जाना है। IMF भी इस पर अब तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहा है, और जो आपका टारगेट है इसके बारे में सर कुछ माहिरीन क्या कहते हैं? मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। आगे हम देख रहे हैं जो इन्होंने कहा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो 5.6 ट्रिलियन पे जाएगा, हालांकि पिछले साल में जो हमने किया है वो 3.8 ट्रिलियन, तो 45% हम ग्रो करेंगे रेवेन्यू। मेरे नहीं ख्याल में कि शब्बर बेचारा जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि ये हम इतने रेवेन्यू कर सकेंगे। 5.5 ट्रिलियन मोबिलाइज होना तकरीबन गैर नामुमकिन है इस वक्त जो हालत इकोनॉमी की है। तो जब आप कर्जे बढ़ा जाएंगे, इसलिए कि आपसे रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं हो रहा, आपके अखराजात आप कम नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होगा? आप बोरो करेंगे? जी शबर साहब, मुल्क के चोटी के माहिरीन हैं जो ये बात कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो मैंने कहा ना कि जो 5,500 का जो हमने टारगेट रखा हुआ है, ये हमारी कोशिश है कि हम उस तक पहुँचें और अपनी बेस को बढ़ाएं। मगर ये कहना कि माशी हालात बेहतर नहीं हो रहे और किसी हम प्रॉब्लम में हैं, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो हमारी जो माशी तरक्की में या माशी हालात में एक गिरावट की रौ थी वो ख़त्म हो चुकी है मेरा ख्याल है, और अब हम एक सही डगर पर चल पड़े हैं। तो हमें पॉजिटिव अंदाज में सोचना चाहिए, ना कि हम नेगेटिव अंदाज में ये सोचते हुए कि ये नामुमकिन है और हम इससे। मगर अगर मैं वही बात करूं कि अगर मैं 3,850 के बेसिस को लेकर अगर मैं टारगेट 4,200 रख के बैठ जाऊं, तो फिर मेरे लिए जो एनर्जी टू वर्क बहुत कम हो जाती है। तो हम एज ए पॉजिटिव बात करेंगे। आखिरी बात जो आपने कही कि जहाँ तक IMF का सवाल है, जो भी हमारी जो एक्चुअल अचीवमेंट होगी और जो एक्चुअल टारगेट होगा, जो एक्चुअल पोजीशन होगी, वो हम IMF के सामने रखेंगे। और जो ग्राउंड रियलिटी सामने है, जिस तरह मैंने आपको पहले 2 महीने की बताई है, इस तरह ग्राउंड रियलिटी हम आगे की भी बताएंगे। और इस सिलसिले में जो हमारी कोशिशें हैं वो ये कि हमारी टेस्ट की बेस बढ़े, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़े, लोगों के लिए आसानी हो, हरेसमेंट कम हो, तो ये सब चीज़ें हमारे 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 सामने हैं और हम उसके लिए पुरउम्मीद हैं। अच्छा जिशान मर्चेंट साहब, शब्बर जई साहब कह रहे हैं कि वो जो नेगेटिव एक ट्रेंड था इकोनॉमी का, वो पॉजिटिव में तब्दील हो चुका है। मगर आप लोगों से हम सुनते हैं, दीगर एक्सपर्ट से सुनते हैं, आप लोग तो हमें कुछ और बता रहे होते हैं। तो जब तक एक टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, ताजर का या कारोबार करने वाले का कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो पैसा नहीं लगाता, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट नहीं होती है, तो फिर उसके बगैर तो टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूँ इस पर आप अपना कमेंट भी दें, और इसमें ऐड करके अगर आप शब्बर साहब से कुछ पूछना। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पोजीशन है ना, जो टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस है, वो मेरे ख्याल से रीसेंट पास के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। दो चीज़ें, तीन चीज़ें लोग सवाल करते हैं जब भी हम उनसे बात करते हैं एजुकेशन की। एक, टैक्स कलेक्शन तो बड़ी है ना? नहीं, टैक्स कलेक्शन इसलिए बड़ी है कि जीरो रेट को ख़त्म किया है हमने। यकीनन FBR के स्टेप्स ज़रूर हैं इसमें, लेकिन जैसे आप SRO 1125 को ख़त्म किया, तो उससे एक डेफिनेट बूस्ट आया है कि जो पहले सेक्टर जीरो रेट पर था वो 17% टैक्स दे रहा है। तो एक तो ये बेसिस है, और यकीनन एक्सपोर्ट थोड़ी सी अगर इंक्रीज़ हो रही तो उससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसका प्राइमरी वजह SRO 1125 है मेरे अंदाजे के मुताबिक। यकीनन आई एम ओपन टू करेक्शन। हम अगर अच्छा, एक आम आदमी की समझ एक आम आदमी की बात करते हैं, एक आम आदमी क्या कह रहा है इस वक्त? एक आम आदमी कह रहा है कि मुझे टैक्स नहीं देना, उसकी मेन वजह यह कि मैं टैक्स देता हूं तो मुझे क्या फैसिलिटी FBR दे रहा है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है? बोले मेरे रोड तो वैसे ही टूटे पड़े हैं, मेरा पड़ोसी वैसे ही टैक्स नहीं दे रहा। तो मेरे ख्याल से जो FBR जो इस वक्त एफर्ट भी कर रहा है और जो उसे मजीद करने की ज़रूरत है इस वक्त, वो ये है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको कैसे वो अपने इकोनॉमी के डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में लाते, ये सबसे बड़ा टास्क FBR को होना चाहिए। आई एम श्योर शब्बर साहब इस पर काम कर रहे हैं। शब्बर साहब ये भी तो कह रहे हैं, देखिए 8 लाख लोग बढ़े। जी बिल्कुल बढ़े। अच्छा, मगर शब्बर साहब ये भी तो कह रहे हैं कि कॉन्शियस डिसीजन है कि हमने इम्पोर्ट्स को मुश्किल बनाया है, जिसकी वजह से हमारी टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी बेहतरी नजर आई है। लेकिन इससे इस सेक्टर भी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी तो स्लो हो रहा है आपके। ये मैं चाहता हूँ अगर आप इसको ऐड करके शब्बर साहब से कुछ पूछना। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो इस वक्त इम्पोर्टर्स हैं, सवाल आप, उन्होंने अपनी पोजिशन ली। शब्बर साहब सुने, इस वक्त जो चैलेंज नजर आ रहा है कि लोग बिजनेस करने से डर रहे हैं, लोग मंगाने से डर रहे हैं, क्योंकि जो जैसे आपकी एक CNIC कंडीशन है बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ क्लेरिफिकेशन हैं जो FBR की तरफ से अगर टाइमली आ जाएं तो उससे टैक्स पेयर का
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना इसका एक वो नज़र आता है। प्लस जो अभी आपने हमने रिटर्न से रिलेटेड बात की, तो क्या आप अपने सेटअप को मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं कि लास्ट डेट्स पे सिस्टम चोक नहीं कर जाएगा जैसे हर साल करता है, तो उसको भी प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप हमारे लिए इन्फॉर्म कर दें तो हमें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और शबर साहब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि इकॉनमी स्लो डाउन है, मर्चेंट साहब भी फरमा रहे हैं, उसमें तेजी लाए बगैर किस तरह से आप अपने हदाफ पूरे करेंगे? मैं जरा देखिए थोड़ी बात कर दूं जी। मैं स्लो डाउन पे बात नहीं करना चाहता, मैं CNIC के बारे में, मतलब CNIC के बारे में कोई किसी किस्म का कोई क्लेरिफिकेशन ना हमें देना है इस वक्त, और उस पर ना कोई कन्फ्यूजन है। हमने क्लेरिफिकेशन, ये परसेप्शन है कि जी कोई क्लेरिफिकेशन आनी है, हम क्लेरिफिकेशन मुझे समझ नहीं आती। हमने जो कुछ भी हमने करना था वो हमने पब्लिकली कर दिया है, और अगर आगे भी जो हमें करना होगा वो हम पब्लिकली करेंगे, और हम मोर देन ट्रांसपेरेंट हैं इस मामले में। तो जहाँ तक टैक्स पेयर्स का कॉन्फिडेंस है, मैंने जिस तरह कहा कि जो पोजीशन जून के एंड में थी या जुलाई के शुरू में थी, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की पोजीशन वो नहीं है। इस चाहे आप इसको एक्सचेंज रेट के रेफरेंस से देखें, चाहे आप इसको नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स के रेफरेंस से देखें, जिस कारोबार की पहिए को आप कह रहे थे कि वो रुक गया है, वो नहीं रुका। वो अगर रुका, स्लो हुआ था, तो वो अब अपनी स्पीड पकड़ने लगा है। जो प्रॉब्लम है, जो हम कहना नहीं चाहते मगर हमें खुल के बात करनी चाहिए, वो लोग जो टैक्स रेट में नहीं है, वो टैक्स रेट में नहीं आना चाहते और वो रेजिस्ट कर रहे हैं, और वो ये परसेप्शन मार्केट में डाल रहे हैं कि जी कोई पाकिस्तान में स्लो डाउन की पोजीशन आ रही है या कोई हम ऐसी कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि एफडीआई की मशीनरी अभी तक उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, आपको मजीद लोग चाहिए, मजीद अच्छे लोग चाहिए। तासुर ये कि अभी तक आप उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए, इस तासुर पे आप क्या कहेंगे? मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके किसी और प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं कभी भी नहीं कहता। मैं तो अगर आप मुझे कहेंगे कि 0 से 100 के बेंच मार्क पर आप कितनी करेक्शन कर सकें, तो मैं अभी करेक्शंस की बहुत बहुत मामूली तादाद में हम करेक्शंस की तरफ आगे बढ़े हैं। मगर जिस तरह मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बात कही थी, और मैं बात दोबारा रिट्रेट कर रहा हूँ कि मैं FBR को ये FBR चाहे मैं हूँ, मेरी ज़ात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं हूँ या कोई और इंसान हो, FBR उस वक्त सही होगा जब इसमें कंप्लीट ऑटोमेशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबर जैदी साहब, चेयरमैन FBR, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान मर्चेंट साहब, माहिर टैक्स उमूर। गुफ्तगु आपने सुनी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.